हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी कल सीटेट के लिए जो हमारी फर्स्ट क्लास लगी थी, उसमें हमने सीटेट के जो प्रीवियस ईयर है उसके वन लाइनर क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। सीटेट का जो पेपर फर्स्ट होता है या पेपर सेकेंड होता है, सभी में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन देखने के लिए हर साल 100% मिलता है। तो ये कुछ ऐसी क्लास है जिसमें आपकी शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादकों के बारे में बताएंगे, यानी कि कौन सी शिक्षण विधि है, वो किस प्रतिपादक ने दिए है, उसके ऑथर कौन है, उसके मनोवैज्ञानिक कौन है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो इसमें से आपके एक या दो ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने जो भी शिक्षण विधि दी है उनका एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सीडीपी जिसके में भी 30 मार्क्स की आने वाली है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक यानी कि उनके ऑथर कौन है। तो सबसे पहले जो हमारी शिक्षण विधि है उसका नाम है किंडरगार्टन शिक्षण विधि। जो किंडरगार्टन विधि है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, तो किंडरगार्टन विधि को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे फ्रॉबेल। यानी किंडरगार्टन विधि जिसे एक प्रकार से फ्रॉबेल ने बच्चों छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यानी कि एक बगीचे के रूप में स्कूल को, जैसे कि एक माली अपने बगीचे को सींचता है उसमें पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उसी प्रकार से उन्होंने जो अब बच्चे के लिए जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसका यूज करके छोटे छोटे बच्चों को एक माली की तरह, एक जिस प्रकार से एक माली अपने पौधों की सुरक्षा करता है, उनको सींचता है, उनको बड़ा करता है, उसी प्रकार से खेल खेल में बच्चों को सीखने के लिए जो विधि बताई है उसे किंडरगार्टन विधि बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि को देने वाली मनोवैज्ञानिक कौन थी, तो वो थी मैडम मारिया मॉन्टेसरी। जो मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो प्राइमरी क्लास के होते हैं उनके लिए मॉन्टेसरी विधि को बनाया था। मॉन्टेसरी विधि में छोटे बच्चों को नई नई तकनीकों के द्वारा, छोटी छोटी चीजों को करके सीखने के द्वारा उन्हें बहुत अच्छे से उनको ज्ञान प्रदान कराया जाता था, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं खेल विधि। खेल विधि के जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक। तो जो खेल विधि है उसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक। कई बार इनका नाम शॉर्ट में दे दिया जाता है, कुक महोदय करके दे दिया जाता है, तो उसे आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इनका पूरा नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक। तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने कौन सी शिक्षण विधि दी थी, खेल विधि दी थी। उसके बाद बात करते हैं डाल्टन विधि की। जो डाल्टन विधि है इसको देने वाली मनोवैज्ञानिक कौन थी, तो इनका नाम था हेलेन पार्क हर्स्ट। जो डाल्टन विधि है इसको देने वाली कौन थी, हेलेन पार्क हर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं पर्यटन विधि। पर्यटन विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो जो पर्यटन विधि है उसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था पेस्ट्रोलॉजी। पेस्ट्रोलॉजी ने जिस विधि को दिया था, जो शिक्षण विधि दी थी, उसका नाम है पर्यटन विधि। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं खोज विधि। खोज विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी बोला जाता है। तो जो खोज विधि है जिसे ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, खोज विधि को, ह्यूरिस्टिक विधि को या अन्वेषण विधि को, इनमें से कोई भी नाम आता है तो इसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है आर्मस्ट्रांग। क्या नाम है, आर्मस्ट्रांग। इनकी कौन सी विधि है, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, ये तीनों जो नाम है ये एक ही शिक्षण विधि के नाम है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि। जो प्रश्नोत्तर विधि है उसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था, तो प्रश्नोत्तर विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था सुकरात। सुकरात महोदय ने जिस विधि को दिया था बच्चों के लिए, जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया था उसका नाम था प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में। तो जो प्रोजेक्ट विधि है, जिस प्रोजेक्ट विधि को कई बार बड़ी क्लासों में यूज किया जाता है, उनमें बच्चों को एक प्रकार से चीजों को खोज और अन्वेषण के माध्यम से जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि है इसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, प्रोजेक्ट विधि को देने वाले जो जनक है उनका नाम है किलपैट्रिक। क्या नाम है, किलपैट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, उनका नाम है गुडवार स्केट्स। जो वैज्ञानिक विधि है उसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है गुडवार स्केट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं समस्या समाधान विधि। जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि है या फिर समस्या समाधान विधि है, इन दोनों विधियों को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे,
सुकरात महोदय थे। प्रश्नोत्तर विधि हो या फिर समस्या समाधान विधि हो, जिसमें बालकों को जो देने वाली जिसने ये शिक्षण विधि दी थी उनका नाम क्या है? सुकरात है। उसके बाद है समस्या समाधान विधि के जो जनक है वो है सुकरात। उसके बाद है इकाई उपागम विधि। इकाई उपागम विधि किसने दी थी? तो एच सी मॉरिसन के द्वारा इकाई उपागम विधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एच सी मॉरिसन। उसके बाद बात करते हैं विनेटिक विधि की। जो विनेटिक विधि है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? इसे कई बार विनेटिका बोल दिया जाता है, कई बार विनेटिक बोल दिया जाता है, तो आप अपने एग्जाम में देख के कर सकते हैं। तो जो विनेटिका विधि है इसको देने वाले कौन थे? वॉसवर्न थे। इसको देने वाले कौन थे? वॉसवर्न थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेकोली शिक्षण विधि। जो ड्रेकोली शिक्षण विधि है इसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था? ड्रेकाली था। क्या नाम था? ड्रेकाली था, क्योंकि ये ड्रेकाली के वहां के निवासी थे, तो ऐसे ही उसी प्रकार से उनकी शिक्षण विधियों के नाम दे दिए जाते थे। तो ड्रेकाली शिक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? ड्रेकाली के द्वारा दी गई थी। उसके बाद है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम था लुईस ब्रेल। तो जो लुईस ब्रेल थे उन्होंने अंधे लोगों को यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनको पढ़ने के लिए एक प्रकार से उभरते हुए 6 अंकों के ऊपर, इसमें जो ब्रेल पद्धति है इसमें कितने बिंदु थे? तो 6 बिंदु की एक विधि बनाई गई थी जो किसके लिए होती थी? अंधे लोगों को पढ़ने के लिए होती थी। तो इसका आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था? तो प्रक्रिया विधि है उसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था कमेनियस। कमेनियस ने कौन सी विधि दी थी? प्रक्रिया विधि दी थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा पद्धति को देने वाले जो बेसिक शिक्षण पद्धति है उसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी ने जिस शिक्षण विधि का यूज किया था उसका नाम था बेसिक शिक्षा विधि। उसके बाद है समाज नीति विधि। जो समाज नीति विधि है इसको देने वाले कौन थे? एल मोरेनो थे। समाज नीति विधि किसके द्वारा दी गई थी? एल मोरेनो के द्वारा दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है आगमन विधि। आगमन विधि को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था? तो आगमन विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी विधि दी थी? आगमन विधि। उसी प्रकार से है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इनका नाम है हर्बर्ट। हर्बर्ट स्पेंसर अलग है, हर्बर्ट अलग है। तो जो हर्बर्ट विधि है इसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है हर्बर्ट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नावली विधि। कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो दो विधियों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो प्रश्नावली विधि है इसको देने वाले मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। और उसके बाद जो प्रश्नोत्तर विधि है, ध्यान रखना है प्रश्नावली विधि किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। और उसके बाद में जो प्रश्नोत्तर विधि है उसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है सुकरात। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं संवाद विधि के बारे में। तो जो संवाद विधि है उसको देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? प्लेटो जी है। तो प्लेटो महोदय ने कौन सी विधि दी थी? संवाद विधि दी थी। उसके बाद है रेखीय अवक्रमित अनुदेशन विधि या फिर बाह्य अनुदेशन विधि। ये दोनों एक ही विधि के नाम है जिसे रेखीय अवक्रमित अनुदेशन बोला जाता है या फिर बाह्य अनुदेशन विधि दी जाती है। तो इस विधि को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? बी एफ स्किनर। यानी कि जो स्किनर जी है इनका पूरा नाम क्या है? बी एफ स्किनर है। उसके बाद है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर आंतरिक अनुदेशन विधि। इसको देने वाले कौन है? तो इसको देने वाले हैं नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर ने कौन सी विधि दी है? साखीय अभिक्रमित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन। उसी प्रकार से जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है या फिर बाह्य अनुदेशन विधि बोली जाती है ये किसने दी है? स्किनर जी ने दी है। उसके बाद नेक्स्ट है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन इस विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट ने कौन सी विधि दी थी? अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियां जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे सीटेट का पेपर फर्स्ट हो चाहे सीटेट का पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आई होप कि आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये जो वीडियो है इसको आप एक से दो बार देखिए और उसके बाद में उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम का टाइम होता है तो उस टाइम पे आपको रिवाइज करने के लिए वीडियोस देखने में काफी टाइम लग जाता है, और नोट्स बनाने से एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो सभी लोग इसको चलाकर उसके पहले नोट्स बना लीजिए और उसको एक से दो रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी विधियां, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं,
ये सारी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ली गई है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी में ये आ चुकी है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। तो आज की क्लास में आपके लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।